अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमर फारूक फ्रॉम इंटीरियर एड। आज लाइव होम 3D का लेसन नंबर 3 है और हम लोग ट्रिम्बल वेयर हाउस से ऑब्जेक्ट्स को अप्लाई करना सीखेंगे आज के लेसन में। ऑब्जेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाना होगा। इंपोर्ट के ऑप्शन में जब हम क्लिक करते हैं तो 3D ट्रिम्बल वेयर हाउस के नाम से एक ऑप्शन आता है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होती है। जो फर्स्ट टाइम विंडो को ओपन करेंगे, जो फर्स्ट टाइम इसको यूज करेंगे, उनको यहाँ पे एक आईडी क्रिएट करनी होगी। अपनी आईडी क्रिएट करने के बाद सर्च बार पे जाके आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं। लाइक अगर आपको सोफा इंपोर्ट करना है तो हम यहाँ पे सिर्फ सोफा टाइप करेंगे। हमारे पास बहुत बड़ी कलेक्शन सोफे की आ जाएगी यहाँ पर। इसमें हमें जो भी डिज़ाइन समझ में आ रहा है हम उसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है। डाउनलोड का ऑप्शन के बाद आपके पास कुछ स्केचअप के ऑप्शन आएंगे और हमने कोलाडा फाइल को डाउनलोड करना है तो हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। ये डायरेक्टली आपके डिज़ाइन के अंदर इम्पोर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, ये सोफ़ा डाउनलोड हो गया हमारे पास। इसको हम 3D पे व्यू कर लेते हैं। ओके, और इसके हम फैब्रिक भी चेंज कर सकते हैं। फैब्रिक के लिए हमारे पास यहाँ पे बिल्ट इन लाइब्रेरी पे बहुत सारे फैब्रिक्स मौजूद हैं। इसके अलावा हम फैब्रिक को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बट वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से हम कोई भी फैब्रिक इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, कोई प्लेन फैब्रिक लेके। अब अगर मैं चाहूँ कि इसकी सीड्स डिफरेंट हो और इसकी जो बैक है, जो साइड्स हैं, वो डिफरेंट हो तो हम वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। राइट, और इसके कुशंस को अगर हम डिफरेंट कलर देना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। अच्छा, हम कुछ और भी इसमें डाउनलोड करके देख लेते हैं। जब भी हम कोई चीज इंपोर्ट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम 2D में रहते हुए डाउनलोड करें, क्योंकि जब हम 2D में किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं तो हम उसकी प्लेसमेंट इजीली कर सकते हैं। इंपोर्ट 3D ट्रिम्बल वेयर हाउस, यहाँ पे हम सर्च बार पे बैट लिख लेते हैं। बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास बैट्स के ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें से हम कोई भी बैट अप्लाई करके देख लेते हैं। अभी हम अभी इस बैट को अप्लाई कर ले। डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर, आपके जो आप मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं उसके साइज के ऊपर। अगर कोई हैवी मटेरियल होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेता है वो डाउनलोड होने में। अच्छा, अभी हम सोफ़ा जो हमने अप्लाई किया था उसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से मूव करते हैं और इस जगह पे बेड को अप्लाई कर लेते हैं। बेड को रोटेट कर लेंगे 90 डिग्री पे और इसको यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। 3D में भी उसको भी कर लेते हैं। अब ये बेड का डिज़ाइन जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट हमने अभी यहाँ से इम्पोर्ट करना सीखा है चीज़ों को। आपके पास बहुत बड़ी कलेक्शन है बेड की, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं इसके अंदर, आप यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर वेयर हाउस पे जा रहा हूँ, ट्रिम्बल वेयर हाउस पे, मज़ीद कुछ बेड्स को सर्च करते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और मॉडल्स में भी होते हैं, हम दोनों जगहों से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब हम कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो हम इसको अपने पास वेयर हाउस में हमारी जो प्रोफाइल है उस पर भी हम उसको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे ये बेड अगर अच्छा लग रहा है बट मैं इसको इस डिज़ाइन पे नहीं अप्लाई करना चाह रहा, जो डिज़ाइन मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं इसको इन फ्यूचर किसी भी और डिज़ाइन में इसको अप्लाई करना चाहूँ, तो यहाँ पर हम एड टू फेवरेटीज इसको कर देते हैं। तो आपकी जो यहाँ पे प्रोफाइल बनी हुई होती है उस पर आप माई कॉन्टेंट पे जाते हैं तो आपके पास सारी कलेक्शन सेव हो जाती है। जो भी चीज़ आपने एड टू फेवरेटीज में करी है, अब यहाँ से हम इस बैट को डायरेक्टली अपने डिज़ाइन पे अप्लाई कर सकते हैं। या यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने एड टू फेवरेटीज में करी हुई हैं तो हम
इस ट्रेड को अप्लाई करके देख लेते हैं। डाउनलोड टू कोलैडा फाइल, ये हमारे सॉफ्टवेयर पे हमारे डिज़ाइन में डाउनलोड हो गई है, इसको हम व्यू कर लेते हैं। राइट, इसका भी हम फैब्रिक चेंज कर सकते हैं। और अगर हम इसके लेग्स का कलर चेंज करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम ट्रिम्बल वेयरहाउस से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं है जितने हम डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं, तो ये लाइब्रेरी शॉर्ट पड़ती है हमें। बट ट्रिम्बल की लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, जिसको वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, स्केचअप यूज़र्स भी इसको यूज़ करते हैं और लाइव ऑन 3D के यूज़र्स भी इसको यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह हमारा स्केचअप का भी एक ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है यूट्यूब पे ही, और उसके भी हम लेसन वाइज सेशंस अपलोड करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ कुछ नई चीज़ के साथ हाजिर होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।